ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। समय का एक चक्र है, चक्र चल रहा है, दिन और रात, दिन आता है चला जाता है, रात आती है चली जाती है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, प्रकाश और अंधकार दोनों साथ चल रहे हैं, दिन और रात भी साथ चल रहे हैं, पर इतना अंतर है कि जब दिन होता है रात नहीं होती, रात होती है तो दिन नहीं होता, पर ऐसा भी होता है कि दिन और रात दोनों साथ चल रहे हैं। आदमी प्रकाश भी करता है और रात भी साथ में चलती है। हम बाहर की दुनिया में देखें तो प्रकाश है, किंतु भीतर की दुनिया में देखें तो रात भी है अंधकार भी है, तो दिन और रात दोनों साथ चलते हैं। मनुष्य ने प्रयत्न किया अंधकार को मिटाने के लिए। वेद का एक बहुत अच्छा सूक्त है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आदमी को अंधकार पसंद नहीं है, क्यों? अंधकार में सही अर्थ का ज्ञान नहीं होता, पता नहीं चलता कुछ भी। प्रकाश चाहता है, तो प्रकाश क्या है? एक ज्योति जलाई प्रकाश हो गया, दिया जलाया प्रकाश हुआ, मोमबत्ती आई मोमबत्ती जलाई लालटेन जगाई, बिजली आ गई बिजली जलाई प्रकाश हो गया। प्रकाश का साधन आदमी ने खोजा और क्रम से विकास किया है। दिए से जितना प्रकाश होता था उससे 100 गुना प्रकाश आज बिजली के द्वारा हो जाता है, और सूर्य का प्रकाश तो ज्यादा है ही, प्राकृतिक है, पर मनुष्य ने प्रयत्न करके भी प्रकाश को प्राप्त किया है, अंधकार को मिटाना चाहा है। भीतर का प्रकाश कैसे हो? लिखा गया नानम पयासयरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला है। सबसे बड़ा प्रकाश है ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो बाहर का प्रकाश भी कभी कभी समस्या पैदा कर देता है। ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है। अगर ज्ञान नहीं है तो बाहर का प्रकाश भी हो नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति बटन दबाना नहीं जानता तो प्रकाश नहीं हो सकता, दिया जलाना नहीं जानता तो प्रकाश नहीं हो सकता। पुरानी बात है,
कुछ व्यक्ति जंगल में गए, चार व्यक्ति थे, तीन ने कहा हम लकड़ियां काट कर ले आएंगे और तुम यहाँ रसोई बनाओ। दायित्व सौंप दिया, तीन बता दिया कि ये आग है, अगर आग बुझ जाए तो अरणी की लकड़ी पड़ी है, मत कर आग निकाल लेना। तीनों चले गए, वह आराम से सो गया। सोचा अभी बहुत समय है और जहाँ जहाँ आलस्य और प्रमाद होता है वहाँ विघ्न अवश्य आता है, तो प्रमाद किया। आलसी आदमी था, उठा जागा तो बुझ गई आग। अब लकड़ियाँ पड़ी थी, लकड़ियों को लिया और टुकड़ा करना शुरू किया। अरणी की लकड़ी, अरणी में से आग निकलती है, टुकड़ा करना शुरू कर दिया, आग नहीं निकली। आखिर वे सब आए, रसोई बन गई। क्या रसोई कैसे बने, आग ही नहीं है, अरे लकड़ियाँ पड़ी थी अरणी की, कि मैं देखो टुकड़े टुकड़े कर डाले, आग नहीं निकली। तब उन्होंने कहा तो मूर्ख आदमी एकदम, टुकड़ा करने से आग नहीं निकलती, मथने से आग निकलती है। तो जो चतुर कठहारा था उसने लकड़ियों को लिया, मथा, आग पैदा हो गई। तो ज्योति प्रकट करना भी कठिन काम है, जो नहीं जानता, ज्ञान नहीं है, ज्योति प्रकट नहीं कर सकता। नानम पया शयरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला है। आज की जो समस्या है, प्रकाश की समस्या बहुत उलझी हुई है। मूर्छा, मोह, भय इतना व्याप्त हो गया कि भीतर जाओ तो अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। मूर्छा बहुत बड़ा अंधकार है। जैसे मूर्छित आदमी को पता नहीं चलता दिन है या रात का भान भी नहीं रहता, इतनी मूर्छा बढ़ गई पदार्थ के प्रति और उपभोग के प्रति कि वह पर्यावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। कह भी रहा है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ओजोन की छतरी का छेद बढ़ रहा है, कह रहा है, पर कर वही रहा है कि जिससे पर्यावरण का प्रदूषण बढ़े और ओजोन की छतरी का छेद और चौड़ा हो जाए, काम वही कर रहा है। तो जब जानता है फिर क्यों करता है, बड़ा प्रश्न है। इसका समाधान बहुत साफ है कि भीतर का अंधकार है, मूर्छा है। मूर्छा में आदमी जानता हुआ गलती करता है, एक आदमी अनजान में गलती करता है वह तो अज्ञानी है। अज्ञानी तो अज्ञानवश गलती करता है, नहीं जानता इसलिए गलती करता है। और मूर्छित आदमी जो मूर्छा से बंधा हुआ है वह जानता हुआ गलती करता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि वह जानबूझकर गलती कर रहा है, बड़ी गलती कभी अज्ञानी नहीं करता, बड़ी गलती तो मूर्छावश आदमी करता है। तो एक तो मूर्छा का अंधकार, मोह का अंधकार इतना भीतर है। आज बहुत हिंसा हो रही है, अनावश्यक हिंसा हो रही, हिंसा तो होती है, कोई नई बात नहीं। प्रकृति का एक ऐसा नियम है कि हिंसा रसोई के लिए, पेट भरने के लिए हर प्राणी कर रहा है, कोई नई बात नहीं। पर इस युग की नई बात यह है कि अनावश्यक हिंसा करता है। आदमी ही ऐसा है जो अनावश्यक हिंसा करता है, पशु अनावश्यक हिंसा नहीं करता। जंगली प्राणी है, हिंस्र प्राणी है, शेर, बाघ, चीता, भूख है तो मार देंगे, भूख नहीं है तो कोई प्राणी सामने चला जाए नहीं मारेंगे, क्योंकि उनका मारना लक्ष्य नहीं है,
उनका लक्ष्य है अपना पेट भरना, भूख को बुझाना। जब भूख बुझ गई फिर वे नहीं मारेंगे। आदमी तो ऐसा है अनावश्यक हिंसा, आज बिना मतलब हिंसा करता है, और यह युग तो अनावश्यक हिंसा का बन गया कि कोई प्रयोजन नहीं, बस एक वातावरण को बिगाड़ना है, गोलियां चलाओ, 10-20-50-100 लोगों को मार डालो। एक विचित्र अंधकार पैदा हुआ है, ऐसा भयंकर अंधकार, इस युग को हम प्रकाशमय कैसे कहें। बाहर से तो प्रकाश बहुत बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ा है कि कभी कभी तो दिन और रात का भेद करना भी मुश्किल हो जाता है, किंतु भीतर में अंधकार इतना फैलता जा रहा है कि आदमी आदमी को आदमी भी नहीं मानता। आदमी को मारना और तिनके को तोड़ने में जैसा कोई अंतर नहीं है, इतनी भयंकर हिंसा हम कैसे माने। प्रकाश का युग है, बाहर को देखें तब तो कहना होगा प्रकाश का युग है, और भीतर की दुनिया में जाएं, भीतर के जगत को देखें तो कहना होगा अंधकार का युग है। ये अंधकार कैसे मिटे, भीतर का अंधकार कैसे मिटे, ये बाहर का प्रकाश और भीतर का अंधकार दोनों साथ साथ कैसे चले। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार रहना नहीं चाहिए। एक बार अंधकार इंद्र के पास गया, स्वर्ग में गया, प्रार्थना की, प्रभो सारी धरती पर आपका साम्राज्य है, आपका आधिपत्य चलता है, बाहर से तो लगता है कि मनुष्य शासन कर रहा है और वास्तव में आपका शासन चलता है, और आपके शासन में मेरा एक बड़ा प्रश्न है, एक मेरी समस्या है। इंद्र ने कहा क्या समस्या है, कि सूरज मेरा पीछा कर रहा है, मैं उसे कुछ नहीं बिगाड़ता, कुछ नहीं करता, पर पता नहीं क्यों वह मेरा पीछा कर रहा है, मैं जहाँ जाता हूँ पीछे आता है, मुझे भगा देता है, टिकने नहीं देता, चैन से बैठने नहीं देता। इंद्र ने कहा यह तो अच्छी बात नहीं है, सबको अपना अपना अधिकार है, सबको अपने अस्तित्व की रक्षा का अधिकार है। फिर इंद्र ने कहा वह सूरज ऐसा क्यों करता है, आदेश दिया सूरज को बुलाओ। सूरज आ गया, इंद्र ने कहा कि देखो तुम्हारी एक शिकायत आई है। प्रभो क्या शिकायत है, कि तुम अंधकार का पीछा कर रहे हो, उस बेचारे को सता रहे हो, भगा देते हो, कहीं टिकने नहीं देते, तुम्हारी ये क्या मनोवृत्ति है। बोला प्रभो शिकायत किसने की, कि अंधकार ने, आप ये तो मैं अंधकार को जानता ही नहीं, मैंने आज तक देखा ही नहीं उसको, मुझे पता ही नहीं कि अंधकार क्या होता है। अब शिकायत करने वाला सामने तो आना चाहिए, आप मेरे सामने बुलाओ, तब पता चलेगा कि सच कह रहा है झूठ कह रहा है। इंद्र ने आदेश दिया कि अंधकार को बुलाओ और सामने प्रस्तुत करो। अधिकारी गए, जाकर कहा कि इंद्र तुम्हें याद कर रहा है, तुम चलो, सूरज वहाँ विद्यमान है, और तुम चलो। वह बोला मैं जाऊँ कैसे, जहाँ सूरज है मैं वहाँ जा ही नहीं सकता, मैं जाऊँगा तो मेरा पता ही नहीं चलेगा कि मैं आ गया हूँ। सूरज ने ठीक कहा, मैं अंधकार को नहीं जानता। ठीक हम इसी बात को हम एक रूपक की भाषा में प्रस्तुत करें कि मोह गया किसी योगी के पास, जाकर बोला कि धर्म मुझे बहुत सता रहा, जबकि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, वह मुझे बहुत सता रहा है और मेरे अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समर्थ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और समर्थ हैं कि मोह को बस में कर सकते हैं, आप कुछ करें।
और मोह को समझा दे कि मेरा पीछा न करे। योगी समर्थ था, शक्तिशाली था, उसने धर्म को बुलाया, बुलाकर कहा भाई तुम मोह का पीछा क्यों कर रहे हो, उसके अस्तित्व को क्यों मिटा रहे हो। धर्म बोला मोह कौन है मैं जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। शिकायत करने वाले को कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए, मुझे पता नहीं कि मोह क्या है, मैं जानता नहीं हूँ। प्रभो ये शिकायत किसने की, मैं जानूँ तो किसी का अनिष्ट करूँ, मैं उसे जानता नहीं पहचानता नहीं, कि कैसे ये बात कही। तो फिर योगी ने कहा अब मोह को बुलाओ, फिर बुलाओ और सामने शिकायत प्रस्तुत करो। ये कहता मैं जानता ही नहीं। गए जाकर बोले कि तुम्हें योगी याद कर रही हैं, अरे मोह के पास चलो, योगी के पास चलो, जहाँ धर्म विद्यमान है तुम्हारा न्याय होगा। मोह बोला धर्म वहाँ विद्यमान है मैं जा ही नहीं सकता, मैं जा ही नहीं सकता, जहाँ धर्म है मैं वहाँ मेरा जाने का अधिकार ही नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। बात समाप्त हो गई। हम तात्पर्य की भाषा में इसको प्रस्तुत करें कि जहाँ धर्म है वहाँ मोह मूर्छा नहीं हो सकती, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। सूर्य का काम है प्रकाश करना और धर्म का काम है भीतर के अंधकार को, मोह और मूर्छा द्वारा पैदा किए हुए अंधकार को दूर करना। आज आवश्यकता है उस धर्म की जो मूर्छा को दूर करे। भयंकर अंधकार जो भीतर का आ गया और वह हिंसा के रूप में प्रकट हो रहा है, वह अनैतिकता के रूप में प्रकट हो रहा है। बाजार में बहुत अनैतिकता चलती है, व्यापार में बहुत अप्रामाणिकता चलती है, ठगाई चलती है, शोषण चलता है, और बड़े बड़े उद्योगों में शोषण और क्रूरता का व्यवहार चलता है। ये सारा अंधकार है, भीतर का अंधकार। अगर भीतर का अंधकार न हो तो ये चल नहीं सकता। प्रकाश चाहने वाले, ज्योति की अपेक्षा रखने वाले केवल बाहर का प्रकाश ही न करें किंतु भीतर का भी प्रकाश करें। केवल बाहर के अंधकार को मिटाने का ही प्रयत्न न करें, भीतर के अंधकार को मिटाने का भी प्रयत्न करें, जो मोह मूर्छा के कारण एक अंधकार गहराता चला जा रहा है, उस अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करें। तब तो ज्योति पर्व मनाने का एक अर्थ होता है, एक सार्थकता होती है। अन्यथा दिया जलाया और सुबह बुझ जाएगा, बल्ब जलाया, डे लाइट जलाई, प्रकाश किया, कुछ समय बाद बिजली भी बंद हो जाएगी और कभी कभी तो बीच में ही गायब हो जाती है। प्रकाश टिकेगा नहीं, स्थायी नहीं होगा। अगर भीतर का प्रकाश करो, ऐसा प्रकाश जो शाश्वत है, स्थायी बने, और उसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि भीतर का प्रकाश उसमें आए तुले पयासु, एक आत्मा दूसरी आत्मा में अपनी समानता का अनुभव करे, मेरे जैसा है। जम हंतव्यम तिमन्नसि, जिसे तू मारना चाहता है वह तू ही है, कोई दूसरा नहीं है। ये चेतना जाग जाए, यह है भीतर का प्रकाश। और भीतर का प्रकाश जब प्रकट होता है बहुत सारी समस्याएं समाहित हो जाती है। इसलिए ज्योति पर्व के आसपास तो हमें भीतर की बात भी सोचनी चाहिए। दीपावली आती है तो कुछ दिनों पहले से ही घर की सफाई, प्रकाश या और भी साज सज्जा
पता नहीं क्या क्या होता है, मिठाइयों की तैयारी आदि आदि सारी बातें होती है। तो जैसे बाहर में सारा चलता है, भीतर में भी मधुरता का विकास करें, भीतर की सफाई करें, भीतर को भी सजाएं और भीतर का प्रकाश करें, ये सारा होता है। तो वास्तव में ही हम प्रकाश का पर्व मनाने का अधिकार पा सकते हैं और वह प्रकाश के पर्व का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, जिससे भीतर का अंधकार मिटे और भीतर में एक शाश्वत ज्योति, अखंड ज्योति विद्यमान हो जाए और जिसके आलोक में मनुष्य, समाज और पूरा संसार शांति और आनंद के साथ श्वास ले सके। ओम आर्हम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे।